फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धनिषा बेनीवाल एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। दिस इज़ आवर लेक्चर 8 इन द करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज फॉर द सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। इट इज़ रिगार्डिंग इसरोज रीसेट टू सैटेलाइट व्हिच हैड कंडक्टेड एन अनप्लान्ड री एंट्री इन टू द अर्थ एटमोसफेयर। सो बेसिकली ये जो रीसेट टू सैटेलाइट है इसरो की, इसकी जो है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री जो है प्लान की गई, अनप्लान्ड री एंट्री इट वॉज कंडक्टेड। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द री एंट्री इन टू द अर्थ एटमॉस्फेयर? सी बेसिकली जो सैटेलाइट्स होती हैं दे आर बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, राइट? सो इन ऑर्डर टू मेक देम एंटर इन टू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एट द सेम टाइम अर्थ का जो एटमॉस्फेयर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द सैटेलाइट्स एंड विच कैन इवन लीड टू देयर बर्निंग, सो दिस टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ताकि जो इसरो के जो फ्यूचर मिशंस हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इसरो जो है मैन मिशंस को बाहर सेलेस्टियल बॉडीज एंड यू नो यूनिवर्स में भेजे एंड इन टू द स्पेस सेंड करें, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो पीपल हम यहाँ अर्थ से सेंड करेंगे इन द स्पेस, उनको वापस यू नो सेफ्टी के साथ अर्थ पर लेकर के आने के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो कि ऐसा करेगी उसको हमें टेस्ट करना होता है। सो बेसिकली उसी पर्पज़ के लिए जो इसरो है उसने अपनी रीसेट टू सैटेलाइट का जो है एक अनप्लान्ड री एंट्री को क्या है कंडक्ट किया। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रीसेट टू सैटेलाइट है इसे अप्रैल 2009 में जो है PSLV की कॉन्फ़िगरेशन C12 उसमें लॉन्च किया गया था। इस रीसेट टू का जो प्राइमरी सेंसर है उसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो उन्होंने बनाया है उसको यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली जो ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार यूज़ किया है इसकी वजह से ये जो सेटेलाइट है ये एक तरीके की स्पाई सैटेलाइट भी बन जाती है, राइट? सो बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, सो दिस सैटेलाइट इट वाज लॉन्च्ड सक्सीडिंग द रीसेट वन सैटेलाइट, यानी कि रीसेट टू सैटेलाइट को इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि जो रीसेट वन सैटेलाइट थी उसका जो सी बैंड था उसमें डिलेज आते थे बिकॉज इट इज अ स्पाई सैटेलाइट, यानी कि एक तरीके की इन अ वे ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी है। रीसेट टू ना केवल कम्युनिकेशन सेटेलाइट है बल्कि इट इज़ रिकॉन्सेंस सेटेलाइट एज वेल, तो उसके लिए कम्युनिकेशन सेटेलाइट के साथ ज़रूरी है, बट अगर कम्युनिकेशन में डिले होगा तो सेटेलाइट का कोई पर्पज़ नहीं है। इसीलिए रीसेट टू सेटेलाइट को ज़्यादा इफेक्टिवली एंड क्विकली इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। 2008 में जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे और उसी के यू नो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रीसेट टू को सैटेलाइट को जो है बनाया गया, और चूंकि ये स्पाई सैटेलाइट है तो इंडिया के जो कोस्टल बॉर्डर्स हैं और इंडिया के जो लैंड बॉर्डर्स हैं उन पर क्या है ये सर्वेलेंस भी करती है। सो बेसिकली जो रीसेट टू सैटेलाइट है वो एक रिकॉन्सेंस सैटेलाइट है, यानी कि एंड अलॉन्ग विद द रिकॉन्सेंस सैटेलाइट होने के अलावा जो है ये सभी तरीके के जो मीट्रोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं रिगार्डिंग द डे एंड नाइट एंड वेदर एक्सेट्रा उन सभी को भी ये क्या है मॉनिटर करती है। स्पाई सेटेलाइट होने की वजह से ये एनिमी शिप्स एंड मिलिट्री थ्रेट्स एट द सी इन सब को भी क्या है इन सब के लिए भी सर्वेलेंस का वर्क करती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रीसेट टू सेटेलाइट से रिलेटेड है उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये कि जो रीसेट टू सेटेलाइट ने पे लोड को डिलीवर करना है वो है लगभग 13 साल तक के लिए, राइट? क्योंकि इसको 2009 में लॉन्च किया गया था तो 13 ईयर्स तक की क्या थी इसकी शेल्फ लाइफ थी, राइट? सो 2009 में दिस वाज लॉन्च्ड एंड अप टू 13 ईयर्स इट हैड द शेल्फ लाइफ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यू नो so reset 2 satellite has also it has also demonstrated the spacecraft orbital operations, yani ki jo satellite hai usko isro ne apne different orbital operations ko conduct karne ke liye bhi use kiya hai
एंड रीसेट टू एंटर इन टू द अर्थ एटमोसफियर आफ्टर 3.5 ईयर्स ऑफ बींग इन ऑपरेशन, यानी कि लगभग 13.5 साल काम करने के बाद जो है इस सेटेलाइट को अर्थ के एटमोसफियर में एंटर करवाया गया। एक और चीज़ यहाँ पे जानने वाली ज़रूरत ये है कि रीसैट टू को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कराने का पर्पस एक तरीके से इंटरनेशनल जो स्पेस डेब्रिस है उसको रिड्यूस करना भी है, क्योंकि जब कोई सैटेलाइट आफ्टर बीइंग फंक्शनड और उसके बाद जब वो डिफंक्ट हो जाती है तो वो एज अ स्पेस डेब्री ऑर्बिट में अपने ऑर्बिट में ऑर्बिट करती रहती है। मगर हम क्योंकि स्पेस डेब्री को कम करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर मिशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हम फ्यूचर मिशन के लिए स्पेस भी जनरेट कर सकें, इसीलिए जो भी सैटेलाइट डिफंक्ट हो जाती है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकर आया जाता है ताकि वो क्या है डिस्ट्रॉय हो सके, राइट। क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर काफ़ी वेरिएबल है, अर्थ की जो लेयर्स हैं डिफरेंट लेयर्स हैं उन सभी लेयर्स का अपना डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से अगर स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसमें यू नो फायर जनरेट होती है, जैसा कि मीटियोराइट और मीटियोराइट्स के केस में भी होता है। तो उसी फिनोमिना को यूज़ करते हुए रीसैट टू सैटेलाइट को जब अर्थ में री एंटर करवाएंगे तो वो एक तरीके से क्या है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो बेसिकली दो तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करने का जो है एक ऑब्जेक्टिव था बाय द इसरो। अगर इसरो के हम दूसरे फ्यूचर मिशंस या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है गगनयान। सो बेसिकली इंडिया चाहता है एंड इंडिया वांट्स कि हम अपना जो है एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है लॉन्च करें, यानी कि हम भारतीय लोगों को हम स्पेस में लेकर के जाना चाहते हैं। जैसे कि बाकी कंट्रीज की अगर बात करें तो रशिया पहली कंट्री रही जिसने यू नो यूरी गागरिन वाज़ द फर्स्ट कॉस्मोनॉट जो स्पेस में गए, फिर उसके बाद यूएसए के भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में गए हैं, मगर इंडिया से कोई नहीं गया। इसलिए इंडिया चाहता है अपना एक इंडिजीनियस मिशन उन्होंने हमने प्लान किया है। सो बेसिकली गगनयान इज़ अ इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। फिर उसके बाद इसरो का दूसरा प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है आदित्य L1। यह बेसिकली यह सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए इसरो का मिशन है। फिर उसके बाद निसार एक प्रोजेक्ट है। निसार जो प्रोजेक्ट है वो नासा और इसरो के यू नो कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली एक सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है प्रोग्राम करना है ताकि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड उन सभी को ऑब्जर्व किया जा सके। फिर उसके बाद शुक्रयान एक मिशन है जो इसरो सेंड करने वाला है टू द प्लैनेट वीनस। तो वीनस को ऑर्बिट करने के लिए एक और मिशन जो है सेंड किया जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सुपर एब्रेसिव टूल्स, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखें कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसको हमें पॉलिश करना होता है तो हम एब्रेसिव मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि एब्रेसिव टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें ग्राइंडर्स भी होते हैं, पॉलिशर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, हार्ड मटेरियल्स के बने होते हैं जिनको ग्राइंडिंग, स्मूदिंग और पॉलिशिंग ऑफ मटेरियल सरफेस में यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ग्रेनाइट की फ्लोरिंग होती है घर में तो उसको पॉलिश किया जाता है, तो उसको पॉलिश करने के लिए जो है इन्हीं एब्रेसिव का यूज़ किया जाता है। किसी यूटेंसिल को अगर पॉलिश करना है, यानी कि मेटल सरफेस को अगर पॉलिश करना है, तो उसके लिए भी एब्रेसिव टूल्स का यूज़ किया जाता है। मगर इन एब्रेसिव टूल्स की क्वालिटी होती है कि ना केवल ये हार्ड होते हैं बल्कि ये ब्रिटल्स भी होते हैं। तो ये दो फंडामेंटल क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन सुपर एब्रेसिव मटीरियल्स में होना ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर देम टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड स्मूदनिंग। सो जब कोई मटीरियल को प्रोसेस किया जाता है बट या तो वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है या फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है स्टैंडर्ड एब्रेसिव्स के लिए, तो उस टाइम पे हम क्या है, हम सुपर एब्रेसिव मटेरियल का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सुपर एब्रेसिव मटेरियल्स जो है वो क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड या फिर डायमंड के बने होते हैं, और साइंटिस्ट ने इंडिया में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नए सुपर एब्रेसिव टूल्स को क्या है बनाया है, इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया है ताकि हाई प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी की डिमांड को फुलफिल किया जा सके इन ऑर्डर टू पॉलिश द सरफेस और इन ऑर्डर टू ग्राइंड द सरफेस। सो बेसिकली ये जो सुपर एब्रेसिव टूल्स हैं फॉर द सेट पर्पस, इनको जो है मल्टी पॉइंट सिंगल लेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यू नो बनाया गया है।
सो दीज न्यू टेक्नोलॉजी जो है सुपर एब्रेसिव मटेरियल्स की जो सेल्फ लाइफ होती है, यानी कि द टाइम पीरियड जिसमें वो इजीली और एफिशिएंटली फंक्शन कर सकते हैं, उसको लंबा भी किया जा सकता है, यानी कि द द शेल्फ लाइफ कैन ऑल्सो बी लेंथेंड. नाउ द थर्ड टॉपिक ऑफ द डे इज अबाउट द इथाइलीन ग्लाइकोल. सो जो उज़्बेकिस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये क्लेम किया है कि इंडिया से बने हुए कफ सिरप जो हैं उनकी वजह से लगभग 18 जो युवा लोग हैं उज़्बेकिस्तान में उनकी डेथ हुई. तो ये जो कफ सिरप बना हुआ था इसके डिटेक्शन में और इसकी टेस्टिंग के टाइम ये पता चला कि इस कफ सिरप के अंदर एक अडल्ट्रेंट प्रेजेंस है. अडल्ट्रेंट का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो नॉर्मली उस प्रोसेस या फिर उस मटेरियल और लिक्विड का पार्ट नहीं है, बट उसको ऐड किया गया है एंड विच कैन ऑल्सो बी हार्मफुल, यू नो. तो उसको बोलते हैं अडल्ट्रेंट. तो इथाइलिन ग्लाइकॉल एक अडल्ट्रेंट है जो इन कफ सिरप्स में मिला है. इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? एक कलरलेस और ऑर्डरलेस एल्कोहलिक सब्सटेंस है, यानी कि C2H5OH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH. एंड अगर इसको कोई मतलब इंजेस्ट कर लेता है, अगर इफ इट इज स्वालोड, तो क्या है, वो लीथल है, उसकी डेथ भी हो सकती है. रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड जो है काफ़ी विस्कस होता है, यानी कि सिरपी होता है. जैसे कि एक अगर अगर शुगर का सिरप बनाया जाता है तो उस तरीके का कोई थिक होता है, तो वैसे ही. लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल की खास बात यह है कि ये मीठा होता है, यानी कि इट इज स्वीट इन टेस्ट. तो इसी वजह से इसको क्या है, कफ सिरप में ऐड कर दिया जाता है ताकि बच्चे जो हैं इजीली कफ सिरप को पी लें. मगर द पॉइंट इज दिस कि इथाइलिन जो ग्लाइकॉल है वो एक अडल्ट्रेंट है, राइट. सो अभी हम डिटेल में तो उसको इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे. इथाइलिन ग्लाइकॉल को पॉलिएस्टर फाइबर्स एंड ऑटोमोबाइल के जो एंटी फ्रीज लिक्विड होता है उसके लिए बनाने में जो है काम में लाया जाता है. दो अडल्ट्रेंट होते हैं जिनको इलीगली लिक्विड मेडिसिन में यूज किया जाता है. एक होता है डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल. क्लियर? एक होता है डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकॉल. सो बेसिकली ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसको काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में देखा प्रेजेंट होता है, जैसे कि बॉल पॉइंट पेन में है, स्टैम्प पैड इंक्स, बॉल पॉइंट पेन की जो इंक है उसमें होता है, सॉल्वेंट्स में होता है, पेंट्स में डाला जाता है, कॉस्मेटिक्स में डाइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है एंड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग फ्लूइड सिस्टम जो है उसमें भी डाइथाइलिन ग्लाइकॉल को डाला जाता है. अपने एक्सपेंसेस को बचाने के लिए जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है वो इथाइलिन की जगह डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करती है. नाउ द पॉइंट इज कि जो कफ सिरप बनाया जाता है वो टेस्ट में क्या है, बिटर होता है. इसी वजह से जो बच्चे हैं इजीली उस कफ सिरप को नहीं पीते हैं. उस कफ सिरप में थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए उसको मीठा बनाया जाता है इथाइलिन ऐड करके. बट द पॉइंट इज कि जो इथाइलिन है उसकी वजह से जो है कफ सिरप महंगा हो सकता है. तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, इथाइलिन एंड डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल को जो है यूज कर लेती हैं फॉर अदर नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट जिसमें ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होते हैं, यानी कि इन दोनों को सब्सटीट्यूट करके इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज कर लेती हैं, जो कि एक्चुअली में क्या है, टॉक्सिक होते हैं. बट द पॉइंट हियर इज कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल क्वान्टिटेटिव क्वान्टिटी में टॉक्सिसिटी है उनकी, यानी कि अगर 1% से ज़्यादा क्वांटिटी में इथाइलिन ग्लाइकॉल या डाइथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट होता है तब वो मीठा करने के बजाय वो लीथल हो जाता है, राइट. सो उस अडल्ट्रेंट की जो क्वांटिटी है दैट नीड्स टू बी डिटरमाइंड. सो दिस इज द रीजन व्हाई इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है न्यूज में था. काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं इसके, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, यूफोरिया, इंटॉक्सिकेशन एंड ऑल्सो डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अमीबा दैट ईट्स ब्रेन. सो बेसिकली एक अमीबा है एंड दिस वॉज द फर्स्ट इन्फेक्शन जिसको साउथ कोरिया में डिटेक्ट किया गया था, मतलब साउथ कोरिया का फर्स्ट इन्फेक्शन. सो एक अमीबा का टाइप होता है एंड अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा क्या है, वो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है नाइगलेरी फाउलेरी.
सोनाइक्लेरी फाउलेरी जो है सॉइल और वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। इसको पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 1965 में डिटेक्ट किया था। एंड ब्रेन ईटिंग अमीबा यहाँ पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। अगर किसी भी पैसेज से नाइग्लेरी फाउलरी जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनरली थ्रू द नोज ऐसा होता है, तो वो डायरेक्टली क्या है ब्रेन में चला जाता है और वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है। मगर वहां पर वो कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है, तो हमारे ब्रेन में टू हेमिस्फेयर होते हैं, राइट। हमारा ब्रेन एक लेयर से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं मेनिंगाइटिस, राइट। तो ये जो मेनिंगाइटिस लेयर होती है, अमीबा जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इसी लेयर को इन्फेक्ट करता है। इस लेयर को इन्फेक्ट होने से बहुत सारी जैसे बोलते हैं सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेनिंगाइटिस जो लेयर है वो इन्फेक्टेड है तो पस फिल्ड होने लगती है, जिससे हेमोरेजिक कंडीशंस भी प्रोड्यूस हो सकती हैं ब्रेन में। देर आर ऑल्सो रीजन्स कि देर कैन बी हेड एक, यू नो, नोजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रेन के फंक्शंस जो है अफेक्ट हो सकते हैं, खास करके जो ब्रेन टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम प्रेजेंट एक सिंड्रोम जनरेट होता है विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस, राइट। इसको बोलते हैं पैम, और पैम अगर होता है तो वो फेटल होता है किसी भी पर्सन के लिए। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ऐसा कोई भी पेशेंट जो पैम से सफर कर रहा है, तो बेसिकली दो स्टेज में सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो अगर मेनिंगाइटिस अफेक्ट हुई है, अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है या ब्रेन में टिश्यू डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग, नॉजिया, फीवर एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंटल हेडेक्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेन सेल्स में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेनिंगाइटिस में। तो अगर आप लोगों को सर में दर्द होता है तो एक्चुअली में आपके सर में दर्द नहीं होता, वो मेनिंगाइटिस में पेन इंड्यूस होता है। तो वॉमिटिंग, नोजिया, फीवर एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंटल, फ्रंटल मतलब कि जो आपका माथा वाला जो एरिया होता है वहां पे फ्रंटल हेडेक्स हो गए। देन देर आर ऑल्सो पॉसिबिलिटीज कि सेकेंड स्टेज में हेल्यूसिनेशंस एंड कन्वर्जन्स के जो है सिंड्रोम्स भी देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द पैम। नाउ व्हाट इज हेल्यूसिनेशंस? सो बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ इमेजिन अनरियल और वर्चुअल थिंकिंग, वर्चुअल इमेजिनरी जो है पर्सन फील करता है बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। कन्वर्जन्स में क्या होता है, जो ब्रेन होता है हमारा उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के एरिदमिक होने की वजह से कन्वर्जन्स जैसे अटैक होते हैं। नेक स्टिफनेस, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नेक स्टिफनेस एंड ऑल्सो द मेंटल कंडीशन कैन बी चेंज। सो एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर एक्सट्रीम पैम हो जाता है तो पेशेंट क्या है कोमा में भी जा सकता है। कोमा एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें पर्सन जो है वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहता, ब्रेन एक्टिव होता है। देर आर टू डिफरेंट डिफरेंट आई मीन देर आर टू कंडीशंस, एक होता है ब्रेन डेड और दूसरा होता है कोमा। कोमा में ब्रेन फंक्शन करता है मगर ब्रेन डेड में फंक्शन नहीं करता है, राइट। सो कोमा में बेसिकली योर ब्रेन इज फंक्शनल, कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो शायद रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा है। तो जो द पर्सन इन कोमा कैन कैन फील थिंग्स बट उनका क्या है रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होता है। सेंसेस क्या है वर्क करते हैं बट रिस्पॉन्स इज नॉट जनरेटेड, इसीलिए एक वेजिटेटिव स्टेट में क्या है पर्सन चला जाता है। बट ब्रेन डेड की कंडीशंस में ये होता है कि ना तो ब्रेन फील कर सकता है ना ही ब्रेन जो है रिस्पॉन्स इलिसिट करता है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन डेड, बींग ब्रेन डेड एंड बींग इन कोमा। ह्यूमन ट्रांसमिशन इस डिजीज का एज सच नहीं, मतलब इट हैज नॉट बीन शोन टू अकर। दूसरा ये है कि वाटर वेपर और एरोसोल ड्रॉपलेट से भी इस डिजीज का डिसेमिनेट होना जो है नहीं ऑब्जर्व किया गया है। पैम से रिलेटेड अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन, राइट मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के थ्रू इसको क्या है डील किया जा सकता है। द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द जेल बॉट्स। सो बेसिकली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक जेल बॉट सॉफ्ट रोबोट्स को क्रिएट किया है। सो जेल बॉट्स क्या है, एक साइंटिफिक एडवांसमेंट है इन द फील्ड ऑफ सॉफ्ट रोबोटिक्स। ये जेलेटिन के बने हुए हैं और इसकी वजह से इनके अंदर क्या है फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सो अपना शेप, अपना प्रोपोर्शन, जेल पैटर्न और टेम्परेचर के हिसाब से ये चेंज कर लेते हैं। इनको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है बनाया गया है। सो क्या प्रिंसिपल है, देखिए जो जेल होता है
वो टेम्परेचर के हिसाब से अपनी विस्कोसिटी को चेंज करता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जेल क्या है, थिक हो जाएगा, और सॉरी मतलब अगर टेम्परेचर कम है, कम इन द सेंस कि ठंड ज़्यादा है तो जेल थोड़ा थिक हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जेल क्या लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सो बेसिकली आप इसे जेल सोल थ्योरी की तरह कंपेयर कर सकते हैं कि जो जेल है वो हेल्प करता है रोबोट को क्रॉल करने में, यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए इन अ वेव लाइक मोशन। सो ये जो जेल बॉट्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ द जेलेटिन, एंड जेलेटिन इज वॉट, इट इज अ काइंड ऑफ अ जेल। सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस मूव करने के लिए टेम्परेचर के वजह से यूज किया जाता है, राइट? कोई भी टेक्नोलॉजी जो फॉर्म होती है उसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंटेलिजेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज किया जा सकता है, मेडिसिन्स को डिलीवर किया जा सकता है पेशेंट की बॉडी में, यानी कि टारगेटेड मेडिसिन डिलीवरी हो सकती है, पेट्रोलिंग की जा सकती है, ओशन सरफेस को मॉनिटर किया जा सकता है यूजिंग मरीन रोबोट्स, एंड ऑल्सो ह्यूमन बायो मार्कर्स, बायोकेमिकल्स, जेल बॉट्स कैन ऑल्सो बी टॉट टू क्रॉल, राइट? दे कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू द ह्यूमन बायो मार्कर्स, बायोकेमिकल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेनु बप्पू ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के कवालूर जगह में है और इसकी 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली एक 40 इंच का टेलीस्कोप है और इसने जितने भी स्टेलर डिस्कवरीज को मतलब डिस्कवरीज की हैं उन सभी को इसकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे हाईलाइट किया गया। सो वेनु बापू जो ऑब्जर्वेटरी है वो तमिलनाडु के कवालूर डिस्ट्रिक्ट में है, इन द जवेडी हिल्स, विच इज वेरी क्लोज टू वनियामबाड़ी। इसको 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय प्रोफेसर वाइनू बापू, बाय प्रोफेसर वाइनू बापू, एंड इट हैज बीन बेसिकली सर्विंग एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर मोर देन वन जनरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स। इसने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं जिसमें सबसे पहली है यूरेनस के जो रिंग्स हैं उनको डिस्कवर करना, यूरेनियन सेटेलाइट को डिस्कवर करना, जुपिटर के सेटेलाइट जो है गाइनमाइंड उसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसको डिस्कवर किया है, और भी बहुत सारी डिस्कवरी की गई हैं, जैसे कि सुपरनोवा को डिस्कवर किया, SN 1987 एक सुपरनोवा है, ब्लेजर्स के ऑप्टिकल वेरिएबिलिटी को डिस्कवर किया गया है, एंड देयर अदर एडिशनल ऑब्जर्वेटरीज इन तमिलनाडु, फॉर एग्जाम्पल की कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इन तमिलनाडु, देन वी हैव गॉट हैंडलेस विच इज इन लद्दाख, इट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, देन देर इज वन मोर सोलर ऑब्जर्वेटरी इन उदयपुर राजस्थान, एंड ऑल्सो दी गौरी बिदानूर रेडियो ऑब्जर्वेटरी इन बैंगलोर कर्नाटका। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज अबाउट द टफेस्ट नोन एलॉय, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस जिसको मैन जानता है, इट हैज बिकम इवन मोर रिजिलियंट टू द कोल्ड, यानी कि ठंड के प्रति जो है वो और ज्यादा जो है रिजिलियंट हो गया है, जिसका नाम है CrCONi। सो बेसिकली क्योंकि ये अलॉय है, सो अलॉय जो होता है वो कुछ मेटल से या फिर कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, राइट? उसमें सिर्फ एक मेटल या एलिमेंट नहीं होता, उसमें काफी सारे मेटल और एलिमेंट होते हैं, जिसमें है क्रोमियम, कोबाल्ट एंड निकल, राइट? सो इन तीनों मेटल के एक सर्टेन प्रोपोर्शन में इस अलॉय को क्या है क्रिएट किया गया है, इन तीनों को इक्वल मिक्सचर में मिक्स करके जो है इस अलॉय को बनाया गया है। सो बेसिकली जो ये क्रोमियम कोबाल्ट निकल अलॉय है, एक हाई एंट्रोपी अलॉय का क्या है सब ग्रुप है। नाउ व्हाट इज दिस एंट्रोपी, अगर कॉमन पैरलांस में एंट्रोपी को समझे तो एंट्रोपी का मतलब होता है एनर्जी, राइट? सो हाई एनर्जी अलॉयज जो होते हैं उनको उनको जो है इन तीन एलिमेंट के इक्वल मिक्सचर, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने से क्या है इस टफेस्ट नोन अलॉय को बनाया गया है। नाउ बेसिकली इस तरीके के जो अलॉय हैं इनको बनाने के लिए काफी ज्यादा क्या है मटेरियल की जरूरत, काफी कॉस्ट लगती है, मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है यूज किया जाता है, एंड काफी एक्सट्रीमली जो एक्सट्रीम कोल्ड होती है एनवायरनमेंट में उसको एंड्योर करने के लिए भी इन अलॉयज को बनाया जाता है। तो बेसिकली ये जो अलॉय होते हैं, यानी कि बेसिकली
ये जो अलॉय होते हैं इन्हें आउटर स्पेस में जो एयरक्राफ्ट होते हैं एक्सेट्रा, उनके लिए भी इनको क्या है डिजाइन किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो लगभग -253.3 डिग्री सेल्सियस यानी कि 20 केल्विन पे जो ये अलॉय है वो बहुत रोबस्ट होता है, यानी कि 500 MPa√m ऑफ प्रेशर को भी ये विथस्टैंड कर सकता है, यानी कि सस्टेन कर सकता है। एंड विच इज द सोर्स ऑफ इट्स टफनेस, यानी कि कोल्ड में जैसे जितना ज्यादा ठंड बढ़ती चली जाती है उतना ज्यादा इस अलॉय की टफनेस जो है इंक्रीज होती चली जाती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डीप फेक टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली डीप फेक टेक्नोलॉजी को रिजिस्ट करने के लिए एंड ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैक करने के लिए चाइना ने नए रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी न्यूज़ में था। नाउ व्हाट इज दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी? सो बेसिकली ये जो फ्रेज है डीप फेक, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करता है विच इंक्लूड्स डीप लर्निंग एंड ऑल्सो दी ऑगमेंटेड रियलिटी, ताकि कोई टेक्स्ट इमेजेस ऑडियो वीडियो प्रोड्यूस की जा सके इन ऑर्डर टू बिल्ड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, राइट? बेसिकली डीप फेक जो है वर्ल्ड की इन फेमस टेक्नोलॉजीज में से एक है। पहली बार इसको 2000 ये जो टर्म है फर्स्ट टाइम 2017 में इसको कॉइन किया गया था। आई मीन इन द लोकल पैरलांस और इन द नॉर्मल पैरलांस इट अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2017। इसमें क्या होता है कि कुछ ऑडियो और पिक्चर्स को वेब पे डाला गया, बट दे आर वर्चुअल इमेजेस, दे आर वर्चुअल इमेजेस एंड दे कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड। दैट इज द रीजन वाई इसको बोलते हैं डीप फेक। सो दीज आर सिंथेटिक इमेज, मतलब सिंथेसाइज्ड इमेजेस हैं। इट इंक्लूड्स द डीप टेक्नोलॉजीज विच इज सच एज डीप लर्निंग एंड बिकॉज द टर्म इज फेक इज रिलेटेड विच इज रिलेटेड विद द वर्चुअल। इसमें फेक का मतलब लिटरल सेंस में फेक नहीं है, यहाँ पर फेक से मतलब होता है वर्चुअल वर्ल्ड फेक, यानी कि फैब्रिकेटेड है, राइट? फैब्रिकेटेड है एंड विच डज नॉट एग्जिस्ट। बट डीप फेक टेक्नोलॉजी वॉज इलीगली एंड इट वॉज इमोरली यूज टू क्रिएट सच फैब्रिकेटेड इमेजेस वीडियोज एंड ऑडियोज इन ऑर्डर टू जनरेट मिस इन्फॉर्मेशन। सो इसी टेक्नोलॉजी का क्या है, बहुत सारी जो लोग हैं वो हुआक्स एंड स्कैम्स क्रिएट करने के लिए सेलिब्रिटी के इमेजेस को यूज करते हैं। इलेक्शन रिगिंग के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन स्टार्ट हुए एंड ऑल्सो आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, दीज आर सम ऑफ द यूसेज जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी का है क्या है काफी टाइम से न्यूज में भी रही। अगर हम इंडिया की बात करें सो बाय इंडियन लॉ ये टेक्नोलॉजी क्या है प्रोहिबिटेड है, राइट? यूएस में भी जो यूएस की होमलैंड सिक्योरिटी है दैट ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अंडर द बाई पार्टीशन डीप फेक टेस्ट टास्क फोर्स एक्ट, राइट? सो यानी कि यूएस में भी एक्ट है जो कि इस टेक्नोलॉजी के इलीगल एंड इमोरल यूज को प्रिवेंट करता है एंड इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी के यूज करने से जो डिफेमेशन कॉपीराइट वायलेशन एंड साइबर क्राइम होते हैं उसके लिए भी जो है इंडियन लॉज के अंदर इसको डील किया जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्वॉट विच इज सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। नाउ व्हाट इज दिस? वर्ल्ड के ओशंस रिवर्स और एंड लेक्स का एक एक्सटेंसिव स्टडी कंडक्ट करने के लिए नासा ने क्या है एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। उस सैटेलाइट का नासा ने नाम दिया है स्वॉट यानी कि सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। सो बेसिकली एक कटिंग एज रेडार सैटेलाइट है दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड इंसाइट इन टू द लाइफ ऑन अर्थ जो कि अर्थ का लगभग 70% बनाती है। इसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो बायो लाइफ मतलब बायो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे वो अफेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? सो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है
जो सेटेलाइट है वो माइक्रोवेव रेडार का यूज करती है. माइक्रोवेव एक टाइप की वेव्स होती हैं इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एंड हाई डेफिनेशन सरफेस मैनेजमेंट कर सकती है यूजिंग दीज माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स फॉर ओशन लेक्स रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स. इसमें पार्टनरशिप की है बाय यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी अलॉन्ग विद नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी है. इन तीनों ने मिलकर के जो है स्वॉट सेटेलाइट को बनाया है. अगर हम स्वॉट सेटेलाइट के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो 21 दिनों में जो है हर 21 दिनों में दो बार ये अर्थ के चक्कर लगाएगी, एंड जो इम्प्रूविंग ओशन सर्कुलेशन मतलब ताकि जो ओशन ओशन के सर्कुलेशन को समझने के लिए एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, वेदर और क्लाइमेट प्रिडिक्शंस को स्ट्रेंथन किया जा सके, एंड लिमिटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को क्या है मैनेज किया जा सके यूजिंग द डेटा जो ये सेटेलाइट कलेक्ट करेगी. जितनी भी रिवर्स हैं जिनकी जो विड्थ है वो 330 फीट से ज़्यादा है, एंड उन सभी को ये क्या है मॉनिटर करेगी. 1 मिलियन लेक्स एंड ऑल्सो रिजर्वॉयर्स जो कि 5 एकड़ से ज़्यादा बढ़े, यानी कि दिस इज काइंड ऑफ यू नो द ऑब्जेक्टिव कि इस सेटेलाइट के रेडार में जो है किस तरीके की ऑब्जर्वेशंस होनी है. इट विल ऑल्सो डिटेक्ट द माइन्यूट वेरिएशन व्हेन इट कम्स टू द सरफेस एलिवेशंस एंड दैट कैन बी रिजल्टिंग ड्यू टू स्मॉलर करंट्स. इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द एडीज. तो एडीज भी क्या है एक टाइप के करंट होते हैं, बट जनरली ये वाटर करंट्स होते हैं क्योंकि मेजरली ये जो सेटेलाइट है वो वाटर बॉडीज को मेजर करने के लिए हैं. तो एडीज क्या होते हैं एक तरीके के गायरेटिंग करंट्स होते हैं, यानी कि सर्कुलर इस तरीके से होते हैं जैसे भंवर बन जाता है ना, तो उस तरीके उनको क्या बोलते हैं एडीज करंट, राइट. सो कार्बन एब्जॉर्प्शन बाय द ओशन विल ऑल्सो बी मॉनिटर्ड एंड ऑल्सो द रिलीज ऑफ द हीट दैट वुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्वॉट सेटेलाइट विच वॉज लॉन्च बाय द नासा. क्लियर. सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर. We'll see you in the next lecture of Science and Technology. So have a nice day and thank you so much for watching Perfectionize.